तीसरा दिन है आज लड़ाई का इसराइल और हमास के बीच और काफी टेंशन है। आज जब हमारी फ्लाइट लैंड हुई तो हमने देखा बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उनमें से ज्यादातर या तो पत्रकार थे हमारी तरह जो कवर करने आए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसराइल की ये लड़ाई, या फिर ऐसे इसराइली सिटीजन्स थे, इसराइली नागरिक थे जो उनकी रिजर्व फोर्स में है और अब उनका देश एक युद्ध लड़ रहा है, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन देने आए थे, वो रिजर्विस्ट, वो पहले सोल्जर्स सैनिक रह चुके थे इजरायली फोर्सेस में और अब वो ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो एयरपोर्ट पे काफी भीड़ थी, जब हम निकल रहे थे उस समय सायरन्स की आवाज गूंजने लगी और हमने आईडीएफ का एक यहां पे एक ऐप है जिससे लोगों को बताया जाता है कि किस समय उन पे हमला हो रहा है, तो सायरन बजते हैं और आप उस ऐप पे देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको नहीं जाना है। तो उस समय सायरन की आवाज गूंजने लगी, सभी लोग एयरपोर्ट से वापस अंदर गए। एयरपोर्ट पे अलग अलग जगह पे इन्होंने बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हैं, बहुत सारे वहां पे पोस्टर्स लगे हैं कि किस तरफ आपको जाना है अगर हमला होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना टेंशन का माहौल था, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सभी तरह के लोग थे वहां पे। सड़कों पे हम थोड़ी गाड़ियां देख रहे हैं, पर क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लड़ाई का वक्त है तो काफी टेंशन है। और पिछले 3 दिनों में इस जंग में 1100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जिसमें से 700 से ज्यादा इसराइल के हैं। एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था गाजा पट्टी के बॉर्डर पे इसराइली एक गांव में, वहीं पे 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। तो काफी टेंशन का माहौल है। इसके अलावा जो बंधक बना लिए गए हैं इजरायली लोग, 100 से ज्यादा बंधक, 130 कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 130 बंधक हैं गाजा में इस समय। इजरायल गाजा में 800 जगहों पे हमला कर चुका है, पर ये हमला इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि इजरायल के अपने लोग वहां अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं और कोशिश ये है उनकी कि अपने नागरिक ना उस क्रॉस फायर में आए।